मेरा ये कहना है कि कभी सुनना जरा आप, दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं उसकी कोई बात नहीं करता, पर किसान की फसल का थोड़ा सा भाव बढ़ा के सब चिल्ला चोट करने लगते, ये दुर्भाग्य देश का। कितनी मेहनत करता है किसान, देखिए ठंड में, रात में, गर्मी में, दिन में, धूप में, छांव में, सांप, बिच्छू, गोइरा, बिजली का करंट, पूरा परिवार खपता है तब जाके फसल पैदा होती है, और अगर उसको थोड़ा भाव मिल जाता है तो उसमें क्या तकलीफ। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हाँ, बिचौलिया नहीं कमाए, सीधा किसान कमाए, यही हमारी प्राथमिकता है। अभी तक मेहनत करता था किसान और मजे मारते थे बिचौलिए, अब बिचौलिए खत्म करना हमारी प्राथमिकता है और सीधे किसान को लाभ पहुंचे। और इसलिए हम गांव की प्रॉपर्टी की, जैसे ये बिल्डिंग है, ये 1 करोड़ की है या 5 करोड़ की है या 1 लाख की है, शहर में है तो इसकी वैल्यू है, इस पर लोन मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी व्यवसाय करने के लिए, सब कुछ बैंक सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये गांव में है तो 1 करोड़ की बिल्डिंग पे 1 रुपए का लोन नहीं मिलता, नहीं जमानत ले सकते, नहीं लिमिट मिलती, इसलिए गांव पिछड़ते गए शहर। अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू कर दी, अब गांव के आबादी का भी प्रॉपर्टी का मालिकाना होगा, उससे वो बैंक से लोन ले सकेंगे, 40% 50% कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी, वो पहली बार अब देश के गांव के किसानों को मिलेगी। और इसलिए अब गांव में उद्योग धंधे शुरू होंगे, गांव में रोजगार मिलेगा, और पलायन जो होता था गांव से शहर में नहीं होगा। सही मायने में गांव को आजादी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब दिलाई है। 15 अगस्त को वैसे देश आजाद हुआ, लेकिन गांव आजाद हुआ 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना की घोषणा की, और 2024 तक देश के 100% गांव के लोगों को अपने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाएगा, और उससे उनके विकास के द्वार खुलेंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और गांव और भारत आत्मनिर्भर होगा।